दोस्तों, आप सभी ने विवाह मूवी तो ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में शाहिद और अमृता राव नजर आए, जिनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म दो ऐसे इंसानों की कहानी पर आधारित थी जो अलग अलग सभ्यता और अलग अलग संस्कृति के थे, पर इन दोनों का दिल एक था। फिल्म का हर गाना, चाहे वह मिलन अभी आधा अधूरा है या फिर हमारी शादी में या दो अनजाने अजनबी, सभी गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि इस फिल्म में काम कर चुके कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वे कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर। आलोक नाथ, इस फिल्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम आलोक नाथ है, जिन्होंने कृष्णकांत का किरदार निभाया था, जो अपने बच्चों और परिवार से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम आशु सिंह है। यह एक हाउसवाइफ है। इन्होंने इनसे साल 1987 में शादी की थी। शादी के बाद इन्हें इनसे एक बेटा भी है, जिसका नाम शिवांश नाथ है। शाहिद कपूर, इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता शाहिद कपूर ने अपने इस किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया था। जिस तरह इस फिल्म में इनका नाम प्रेम और भोलू था, उसी तरह इन्होंने अपने भोलू वाले किरदार से दर्शकों का दिल भी जीत लिया था। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम मीरा राजपूत है, जिनसे इन्होंने साल 2015 में शादी की थी। शादी के बाद से इनसे दो बच्चे भी हैं, जिनका नाम मीशा कपूर और जैन कपूर है। मीरा राजपूत को लाइमलाइट में रहना काफ़ी पसंद है। मनोज जोशी, इस फिल्म में मनोज जोशी ने भगत जी का किरदार निभाया था, जिन्हें पूनम प्यार से चाचा जी कहकर बुलाती थी। इनका किरदार तो बहुत साधारण था, इस साधारण से किरदार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। वहीं अगर बात करें इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम चारू जोशी है। शादी के बाद इनके दो बच्चे भी हैं, जिनका नाम धर्मराज जोशी और रुद्रा जोशी है, जो कि प्रोफेशन से एक फिल्म प्रोड्यूसर है। अमृता राव, इस फिल्म में मेन लीड एक्टर के तौर पर अमृता राव ने पूनम का किरदार निभाया था, जिन्हें प्यार से इनके घर में बिट्टो भी पुकारते थे। दर्शकों ने इनके और प्रेम की लव केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। आपको बता दें, इस फिल्म के बाद ये सबकी फेवरेट एक्ट्रेस भी बन गई थी। वहीं अगर बात करें इस अभिनेत्री के रियल लाइफ पति के बारे में, तो इनके पति का नाम आरजे अनमोल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों का पहले लव अफेयर चला था। करीबन 7 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने 15 मई 2016 को शादी कर ली थी। इनके पति प्रोफेशन से आरजे हैं, जो कि रेडियो मिर्ची के ऑल इंडिया होस्टर है। अमृता प्रकाश, इस फिल्म में अमृता प्रकाश ने रजनी का किरदार निभाया था, जिन्हें प्यार से छोटी भी पुकारा जाता था। इस फिल्म में इन्होंने एक छोटी बहन का किरदार निभाया था, जो कि स्वभाव से बहुत चुलबुली होती हैं और अपनी बड़ी बहन पूनम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उनके साथ काफ़ी मस्ती भी करते हैं। दर्शकों ने इन दोनों बहन की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। अमृता प्रकाश इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के रियल लाइफ पति के बारे में, तो आपको बता दें, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये किसी को डेट कर रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि इनके को स्टार विवियन डिसेना है। इन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी समय तक डेट किया था और डेट करने के बाद ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जिसके चलते इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो दोस्तों, आपको विवाह फिल्म के कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।